तभी तो हम भेजा नहीं था। देंगे सर। अच्छा तुम्हारे बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, बंद कर लो अपनी आवाज। भाई बैकग्राउंड में बैठे लोग सब बात कर रहे हैं, उनको बंद कर लो। किसके यहाँ का आवाज आ रहा है? मैं उबाला मशीन, किसके यहाँ का आ रहा है? हमारे यहाँ नहीं आ रहा सर। ठीक है भाई। बुशरा मैम, इल्मा, आप लोग अन्यूट हो जाए। आप लोग तो खुद को होस्ट तो आगे पढ़ाई करें, पता नहीं चलेगा ना आप लोग से क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही। देखिए एक्सटेंडेड स्टोरी में कल मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी जिसमें मैंने बम्प इनटू का यूज बताया था आपको, ठीक है ना? यस सर। हाँ, बम्प इनटू का यूज बताया था। बम्प इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये चीज है कि भाई इसमें और भी चीजें हैं। देखिए जैसे मैंने कल आपसे सवाल पूछा था एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो आपने बताया था सर एक्सीडेंट होते हैं ट्रैफिक नियम नहीं फॉलो किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कम एज के लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जिन्हें तमीज नहीं होती, जिन्हें पता नहीं होता वो भी चलाते हैं, रैशली चलाते हैं एंड ड्रग लेते हैं, नशा करते हैं बाइक चलाते समय, कार चलाते समय, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये बात एकदम से, लेकिन एक और चीज मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है? वो ये है कि एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्शन। है ना? क्या लिखा भाई? परफेक्शन। परफेक्शन मतलब परफेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी काम में बहुत अच्छे निपुण, से जानना, हाँ, निपुणता, ठीक है? निपुणता। नहीं, हाँ, परफेक्शन का मतलब होता है निपुणता। किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल मंझा हुआ होना, है ना, बिल्कुल उसमें सीजन्ड होना किसी चीज में, वो परफेक्शन कहलाता है। तो कुछ ऐसे राइडर हैं, कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं जिनके अंदर ना परफेक्शन होता है, उनकी ड्राइविंग स्किल में, उनकी राइडिंग स्किल में ना परफेक्शन होता है, तो उनके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस जीरो होते हैं, है ना? तो चाहे वो तेज भी गाड़ी चलाएंगे तो भी। तो अब हम समझते हैं इस वर्ड के बारे में। देखिए दो तीन वर्ड है, दो तीन वर्ड है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक हो गया परफेक्शन, एक होता है एक्सपर्ट होना, है ना? यस अब इन दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी काम में निपुण होते ही होते हैं, किसी ना किसी एक काम में तो जरूर होते हैं। इसी से अगर जानना हो कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, आप किस चीज को बहुत ही माहिरीनों के तरीके से कर लेते हैं, यानी एकदम निपुणता के साथ कर लेते हैं, तो हम सवाल पूछते हैं ऐसे। वन आर यू परफेक्ट एट? ऐसा ओके, पूछते हैं, बताइए। व्हाट आर यू परफेक्ट हाँ, इस सवाल के पूछने का मकसद ये है कि सामने वाले की आप जानना चाह रहे हैं कि उसके अंदर की स्किल जो है वो सबसे अच्छी वाली, जो बेस्ट स्किल है वो क्या है। व्हाट आर यू परफेक्ट? एट? अच्छा देखिए, अब इसका जवाब क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज में परफेक्ट हैं तो आप बोलेंगे आई एम परफेक्ट एट, और यहाँ पे वो चीज समथिंग, या अगर वो कोई एक्शन है तो एक्शन में आई एम। बहुत आराम से समझिए, आई एम परफेक्ट एट साइंस, आई एम परफेक्ट एट मैथ, है ना, आई एम परफेक्ट एट आर्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, या आई एम परफेक्ट एट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम परफेक्ट एट राइडिंग बुलेट, आई एम परफेक्ट एट कुकिंग, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, ठीक है? यानी उस चीज का नाम भी रख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। अगर एक्शन बनाना कर बोल रहे हैं तो एक्शन मैन भी लगेगा। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो चार पांच लोग, किसी ना किसी काम में तो माहिर होंगे ही। बुशरा बताइए, व्हाट आर यू परफेक्ट एट? आप किस चीज में परफेक्शन रखती हैं? कुकिंग आई एम परफेक्ट ऑफ कुकिंग बिरयानी। बिरयानी, है ना, बहुत अच्छी बात है।
महबूब आलम तुम बताओ, व्हाट आर यू परफेक्ट एट? आई एम परफेक्ट एट टॉकिंग, टॉकिंग बात करने में परफेक्ट। मतलब बात करने में क्या परफेक्ट हो? हम लोग नहीं बोल पाते क्या? बोल तो हर कोई लेता है ना, परफेक्ट परफेक्शन क्या है उसके अंदर? हम भी नहीं तुतलाते हैं, मैम भी नहीं तुतलाती हैं, हकलाते भी नहीं हम लोग, नहीं तब परफेक्शन कैसे हो गया वो? मतलब तुम्हारी बात से सब इम्प्रेस हो जाते हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो? आई थिंक, हाँ जी आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात से हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, मेरी बात को लोग एडमिट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो आप वहाँ परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, है ना जी? वहाँ पर आप यूज करेंगे स्मार्ट, जैसे आई एम स्मार्ट एट टॉकिंग, यानी बात करने में मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लोग मेरी बातों में आ जाते हैं, मेरी बातों को मान लेते हैं, ठीक है? ये कोई स्किल नहीं है, ये परफेक्शन की स्किल नहीं है, ये स्मार्टनेस की स्किल है, समझे? परफेक्ट एट दी स्मार्ट एट का यूज करेंगे, स्मार्ट एट टॉकिंग, आप किस चीज में परफेक्ट है? व्हाट आर यू परफेक्ट एट सर? अयान अख्तर सर, व्हाट आर यू परफेक्ट एट? सर आई एम परफेक्ट एट एज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, यस। बहुत अच्छी बात है यार। और कौन है नीचे? फिरदौसी रहमान मैम, आप बताइए व्हाट आर यू परफेक्ट एट? सर आई एम परफेक्ट इन राइडिंग स्कूटी। राइडिंग स्कूटी, यस सर। बहुत अच्छी बात है। ब्रेक पैर से लगाती हैं कि हाथ से? हाथ से सर। सर आज तक के मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अरे अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ, अल्लाह करे कभी जिंदगी में ना हो। लेकिन आपका नहीं हुआ, लेकिन आपने किसी लड़कों को ठोका ये तो बताइए? नहीं सर, किसी को नहीं, किसी को नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप अगर बच गई हैं तो इसका मतलब आपने सबको छोड़ दिया होगा, बख्श दिया होगा। नहीं सर, गर्ल्स स्कूटी लेकर निकलती है ना, तो बाकी लोग खुद बचने की कोशिश करते हैं, उनको पता होता है गर्ल्स, है ना, कि उनको तो पता है नहीं हमें ही बचना पड़ेगा। अच्छा बहरहाल मजाक कर रहे हैं, अगर आप सच में अच्छे से चलाती तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैया सलीम बताइए व्हाट आर यू परफेक्ट एट? सुमैया सुमैया तो चली गई। चलो और कोई बताना चाहे? आशीन, यस सर आई एम परफेक्ट एट बैडमिंटन। प्लेइंग बैडमिंटन, यस सर। अच्छा अच्छा इंडोर खेलती है आउटडोर खेलती है? आउटडोर। आउटडोर खेलती हैं? यस सर। कहाँ, रोड पर? नो सर, ग्राउंड में। ग्राउंड में भी खेलती हैं? सानिया मिर्जा की तरह? नो सर। हाँ सर, ऐसे ही बस। अच्छा जमा कर खेलती होंगी ना आप? जी जमा कर खेलती होंगी, जमा कर, गिरती नहीं होगी सिटल आप? जी जी जी। गिर गया तो देखिए, आपने बैडमिंटन तो कह दिया है ना, लेकिन लड़कों को कभी बैडमिंटन खेलते देखा है आपने? यस सर देखा है। लड़के कितने जोश से खेलते हैं आपको पता होगा, दौड़ दौड़ कर यहाँ से वहाँ, एकदम बिल्कुल ताकत से पूरी इधर से मारते हैं, पूरे फोर्स से मारते हैं। आप लोग को मैंने भी खेलते देखा है, हमारे साथ में बहुत लोग खेलते थे पहले, एक जगह बस ऐसे खड़े होकर बस ऐसे ऐसे, ऐसे नो सर, मतलब ऐसे भी करने की बारी कभी नहीं है, सारे नहीं होते सर, ऐसा नहीं है।
ऐसे अगर थोड़ी दूर पे भी किसी ने डाल दिया तो उसे नाराज हो जाते थे, लेकिन ये कैसे वहां उधर मत मारना इधर मारना, यहाँ पे हम खड़े हैं, यानी हिलना भी ना पड़े, यहीं से खेलते थे, फिर जमा कर खेलते स्टेडियम में खेलते, मैं उनके साथ भी खेली हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। मुजीब आलम, व्हाट आर यू परफेक्ट एट? क्रिकेट सर। नहीं समझ पाया मैं सर, मैं जस्ट जॉइन किया। व्हाट आर यू परफेक्ट एट? आप किस चीज में परफेक्ट हैं? आई एम परफेक्ट फॉर क्रिकेट सर। आई एम परफेक्ट एट क्रिकेट, ऐसे बोलो। आई एम परफेक्ट एट क्रिकेट। That नहीं है। I am perfect at cricket. At cricket खेलने में के देखने में? Play. तो बोलो I am perfect at playing cricket. I am perfect at playing cricket. हाँ cricket खेलने में आप perfect हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। करें तो आप लोग जानना चाहेंगे मैं किसी से perfect हूँ? Yes sir. What are you perfect at? What are you perfect at? है कि नहीं? अगर ये जवाब मैं आप लोगों से कहूं कि आप ही मेरी तरफ से जवाब दीजिए तो आप क्या जवाब देंगे? You are perfect at teaching English. अच्छा गलत फहमी आप लोग। You are perfect doing English. गलत फहमी है। You are mistaken. You are perfect at taking biryani. No, no. So you are perfect at joking. नहीं नहीं so? नहीं पता आप लोग guess ही नहीं कर पा रहे। singing तो बिल्कुल नहीं। नहीं सर आपका status देखा है हम लोग ने। देखिए status की बात नहीं करिएगा, बता रहे हैं। आप लोग को नहीं पता है लेकिन बता देता हूँ, I am perfect at cooking. ठीक है, अगर यकीन ना हो तो मैं आपको बता दूं एक स्टोरी पूरी। इफ यू डोंट बिलीव लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ठीक है हाँ, एक बार की बात है, बोलो वंस अपॉन अ टाइम। यही क्लास मैं पढ़ा रहा था, यही क्लास को बोलेंगे सेम क्लास। आई वाज टीचिंग द सेम क्लास में पढ़ा रहा था। हाँ ठीक है, आई वाज टीचिंग द सेम क्लास। तो अहमद सर और शादाब सर, रेहान सर, बहुत सारे सर हैं, तो उन लोगों ने ये बात That last batch में मैंने पढ़ाया था, I am perfect at cooking. तो जब क्लास खत्म हो गई सर ने मुझे कॉल की और कहा कि सर आज आप कुछ बच्चों को बता रहे थे यू आर परफेक्ट एट कुकिंग। मैंने कहा यस सर आई एम परफेक्ट एट कुकिंग। कहें सर तो अगर सच में ऐसा है तो कुछ बनाइए, नहीं किसी टाइम आते हैं खाते वाते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर बनाते हैं खाया जाएगा। तो सैटरडे को प्लान किया, सैटरडे नाइट को प्लान किया, डिनर किया जाएगा। नहीं मैंने उनको इनवाइट किया। तो अगर ये सेंटेंस बोलना हो मैंने उन्हें सैटरडे की रात के खाने के लिए इनवाइट किया तो कैसे बोलोगे? I invited for dinner Saturday night. Dinner at Saturday night. अच्छा। I invited them on Sunday for dinner. For dinner. फिर से बोलो। I invited them for dinner. उसमें ये होता है कि भाई चीजें मैं पहले से मैंने बोल दिया, मैं कहा सर आज शाम वाले बैचेस नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि डिनर का इंतजाम करना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो घर सारी चीजें लेकर बनाना क्या था, मैंने बनाना था चिकन कोरमा और चिकन फ्राइड। ठीक है, और पुलाव, और पुलाव में थोड़ा सा बिरयानी का मसाला बना के रखा हुआ था कि उसी में मिक्स कर देंगे जो कोरमा बचेगा उसमें। तो खूब अच्छे से उसको लेकर आया बना रहा।
लेकिन मैंने जैसे 8 बजे उनको इनवाइट किया था, लेकिन 7 ही बजे किसी ने दरवाजे पर नॉक नॉक कर, आप ऐसे बोलेंगे हाँ देखो मैं किचन में था, खाना बना रहा था, आई वॉज इन द किचन, आई वॉज प्रिपेयरिंग द फूड, प्रिपेयरिंग आई वॉज प्रिपेयरिंग द फूड है ना, समवन नॉक्ड द डोर। उसी समय किसी ने, यानी खाना बनाते समय कह लो या उसी समय किसी ने दरवाजे पर नॉक नॉक कर दिया, समवन नॉक द डोर। तो पहली चीज तो मीन टाइम, उसी समय मीन टाइम का मतलब होता है उसी वक्त, तो दैट टाइम मतलब क्या होता है सर? हां जी दैट टाइम, दैट टाइम का मतलब होता है उस वक्त, मीन टाइम का मतलब होता है उसी वक्त, ठीक है। तो उसी समय मीन टाइम समवन नॉक्ड द डोर, मैंने पूछा हु इज दिस, कौन है? उन्होंने कहा अरे यार मैं हूँ शादाब है ना अहमद, जैसे शराब है बड़े में कह रहे 7 ही बजे कहाँ से आ गए? मैंने दरवाजा खोला, बोलो आई ओपेंड द डोर, अंदर इनवाइट किया, आई इनवाइटेड देम इनसाइड, कैसे? आई इनवाइटेड देम इनसाइड, आई इनवाइटेड देम इनसाइड, अब अंदर इनवाइट कर लिया तो फिर सर डिनर, हमने कहा सर डिनर क्या 7 बजे, आपसे मैंने 8 बजे के बाद कहा, चलिए अब आ गए कोई बात नहीं, यहाँ लॉबी में बैठिए टीवी वगैरह देखिए, मैं बना रहा हूँ किचन में, मैं किचन में था, ये लोग आकर बैठ गए, अब किचन के अंदर से मैं फटाफट फटाफट काम कर रहा हूँ, फिर एक सीन आता ना भूनने का है ना, उसको ऐसे फ्राई करते ना रोस्ट करते, उसी के तरह भूनने का सीन आता है, सबसे खतरनाक सीन वही होता है। तो जैसे भूनना शुरू किया तो उसकी खुशबू, बात समझिए खुशबू ऐसे निकल कर ऐसे जंगले से होते हुए सीधे सर की नाक में, सर बैठे तो ऐसे मोबाइल चला रहे थे, लेकिन जैसे ऐसे बस हो गए और खूब तेजी से आवाज लगाई कि यार क्या खुशबू आ रही है यार, जैसे कभी कभी खाने की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है, खाने की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है ना तो भूख और बढ़ जाती है, ऐसा होता नहीं होता है? Yes, लगी है, और खाने की खुशबू आ गई शानदार वाली, तो पता चला भूख में और इजाफा हो गया, तो वहीं से बोले अरे यार बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है जल्दी से डिनर बनाओ। अच्छा ये बात अगर आपको बोलनी हो बहुत ही बेहतरीन खुशबू है, वाह क्या खुशबू है, तो कैसे बोलोगे? बेस्ट स्मेल, व्हाट स्मेल, देखो इसको कैसे बोलते हैं, वाओ, व्हाट, वाओ, व्हाट एन एरोमा, एरोमा बोलेंगे, हाँ, एरोमा मींस क्या बोलेंगे? एरोमा का मतलब होता है खुशबू, खुशबू, खुशबू का मतलब ऐसी खुशबू जिससे मन मंदिर में घंटे बज जाए, मैंने बहुत ही बेहतरीन खुशबू को एरोमा बोलते हैं, कि आप ध्यान रखिए, समझे? परफ्यूम में होता है, लेकिन फूलों की खुशबू फ्रेग्रेंस कहलाती है, ठीक, हाँ फूलों की खुशबू फ्रेग्रेंस कहलाती है, इसके अलावा कोई भी बेहतरीन खुशबू एरोमा कहलाती है। स्मेल का मतलब खुशबू नहीं होता है, स्मेल का मतलब होता है गंध, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर अच्छी खुशबू है अच्छी गंध है तो आप बोलते हैं गुड स्मेल, अगर बुरी है तो आप बोलते हैं बैड स्मेल, है ना, तो बहुत से लोग होते हैं ना जिनके बगल से बैड स्मेल आया करती, आप बैठे रहते हैं बैड स्मेल ऐसे आ रही होती, तो आप उनसे पूछते हैं भैया नहाया, कह रहे नहीं नहाया तो था, अभी हफ्ता भर हो गया नहाया, तो आप कहते तभी तो बैड स्मेल आ रही तुम्हारे पास, तो वो बैड स्मेल गुड स्मेल होती है फ्रेग्रेंस जब फूलों की खुशबू की बात होती है, लेकिन इसके अलावा जैसे खाने की खुशबू हो या कोई ऐसा इत्र कोई लगाए हुए हो है ना जिसकी खुशबू आपके दिल दिमाग पर छा जाए वो एरोमा ही कहलाती है। तो व्हाट एन एरोमा, उन्होंने क्या कहा? व्हाट एन एरोमा, वाओ व्हाट एन एरोमा, कैसे बोलेंगे इसको? वाओ व्हाट एन एरोमा, व्हाट एन एरोमा, क्या खुशबू है, बेहतरीन खुशबू है ना, जल्दी करो यार, हरी अप प्रिपेयर द डिनर, हरी अप जल्दी करो है ना, कैसे? हरी अप
प्रिपेयर तो हमने कहा सर कर तो रहे हैं सर कि ना और जल्दी करो भूख और तेज लग गई। हमने कहा कितनी तेज कि ना पेट में चूहे कूद रहे हैं चूहे तो चूहों को पेट में कैसे कूदाओगे रैट्स आर जंपिंग इन माय स्टमक नो सर। इसके लिए एक वर्ड आता है देखिए इसे हम बोलते हैं है ना फैमिस्ट ये एफ है ना फैमिस्ट का मतलब होता है भूख से बिलबिला जाना चिलमिला जाना भूख से एकदम मरा जाना तो बात समझे हाँ उसको हम फैमिस्ट बोलते हैं। तो अगर इतनी भयानक भूख लगी हुई है कि आपकी जान निकली जा रही भूख के मारे इतना परेशान है तो आप बोलेंगे आई एम फैमिस्ड क्या बोलेंगे आई एम फैमिस्ड बोलेंगे। ऐसे ही किसी और के लिए बोल सकते हैं यार जल्दी खाना बना दो यार ही इज फैमिस्ड तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। तो सर ने कहा वी आर फैमिस्ड यानी दो लोग थे वी आर फैमिस्ड क्या बोला बताओ We are famished, यार बहुत तेज भूख लगी हुई है जल्दी करो। हमने कहा ठीक है और जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिया। बहरहाल थोड़ी देर के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। After some time, dinner was बोलो डिनर वॉज After some time, dinner was हाँ डिनर आगे बोलो क्या होगा डिनर वॉज प्रिपेयर्ड या डिनर वॉज कुक्ड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है डिनर बनकर तैयार हो गया। तो अब जब बन गया तो लगाना पड़ेगा ना yes. लगाने को क्या बोलते हैं परोसने को सर्व तो मैंने सर्व किया बोलो आई सर्व द डिनर बोलो आई सर्व द डिनर आई सर्व द डिनर यानी डिनर मैंने सर्व किया डिनर सर्व किया बेटा तो सर तुरंत टूट पड़े बिना हाथ धुले तो मैंने तुरंत उनको रोका। मैं कह रहे सर क्या कर रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग सर लेकिन क्या हुआ हमने कह रहे सर यू हैड बेटर वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग तो यू हैड बेटर पढ़ाया था ना आप लोग को यस सर हैड बेटर हाँ कैसे बोलोगे बताओ यू हैड बेटर वॉश योर हैंड यू हैड बेटर कुछ भी बिफोर टेकिंग फूड या कुछ भी कह सकते या बिफोर टेकिंग एनीथिंग कुछ भी खाने पीने से पहले हाथ धुल लेना चाहिए। तो ये मैंने उनको राय दी तो हैड बेटर का यूज क्यों किया क्योंकि वो भाई मुझसे बड़े है ना पोस्ट में बड़े यू हैड बेटर आपके लिए बेहतर है सर आपके लिए अच्छा है क्या ही क्या अच्छा होगा अगर आप हाथ धुल लें ऐसे बिफोर टेकिंग फूड तो कहते अच्छा अच्छा ठीक लेकिन खाने की जल्दी देखी खाने की जल्दी ये कि जल्दी जल्दी गए धुल रहे शादाब पर ऐसे धुल रहे अहमद पर के यार कितनी देर तक धुलेगा तो उनके नीचे जो पानी गिर रहा है उसी में ऐसे लगा कर भागा चलो धुल तो गया उसके बाद ऐसे पोछ लिए। हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं आओ आ गए खाने के टेबल पर देखा सब ऐसे लगा दिया था मैंने कोरमा इधर लगाया है ना फ्राइड इधर लगाया ऐसे बिरयानी इधर लाकर रख दिया मैं किधर से शुरू करे समझ में नहीं आ रहा मैं कह रहा सर एक भी शुरू करी और फटाफट खाना शुरू जैसे खाया एक निवाला ऐसे ना निवाले को पता है क्या बोलते इंग्लिश में बाइट 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 नहीं देखिए दो तरह के निवाले होते हैं बेटा एक एक वो निवाला जिसे हम ऐसे करके ऐसे काट लेते हैं ठीक ये भी निवाला होता है ये बाइट कहलाता है लेकिन ऐसे उठाकर ऐसे जो खाते हैं ये नहीं कहलाता इसे बोलते हैं मॉर्सेल है ना इसे बोलते हैं मॉर्सेल बाइट उसे हम बोलते हैं है ना जिसे हम दांतों से काटते हैं ठीक क्योंकि दांतों से काटना भी बाइट कहलाता है। अगर आप किसी को ऐसे जाकर ऐसा काट लोगे ना तो वो भी बाइट कहलाता है। इवन सांप भी आता है ना ऐसे बाइट कर लेता है ना किस करता है ना आकर ऐसे कहीं पर भी उसने किस कर ली फिर आप सीधे मलकन मोह से किस करने लगते हैं तो मॉर्सल होता है वो ऐसे जो खिलाया जाता है ठीक है ना
ऐसे, तो जैसे उन्होंने एक मेवाला खाया, बोलो एज ही टुक, मॉर्टल पहला नेवाला खाया, एज ही टुक फर्स्ट मॉर्टल, बोलो एज ही टुक फर्स्ट मॉर्टल, फर्स्ट मॉर्टल जैसे पहला नेवाला खाया भैया, एकदम अमेजिंग, वाह वाह क्या टेस्ट है इसको, हमने कहा कि अरे यार पूरा तो खाइए सर, अभी तो आप एक ही खाए, लेकिन अरे यार वाओ व्हाट अ टेस्ट, वाओ व्हाट अ टेस्ट, ऐसे कैसे बोलोगे बताओ, वाओ वाओ व्हाट अ टेस्ट, जब ये आता है ना तो इसका एक्सप्रेशन भी आता है भाई, वाओ का एक्सप्रेशन होता है ना, ऐसे नहीं तो आप बोलेंगे है ना क्या, आप वाओ व्हाट अ टेस्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, वाओ को आपको बताना पड़ेगा, वाओ व्हाट अ टेस्ट यार, वाओ है ना, जैसे कोई बहुत अच्छा लगता है बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन है ना, वाओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, ऐसा करके बोलते हैं, तो वैसे ही है, वाओ को आपको बताना पड़ेगा है ना, सैफ अली खान जैसे बोलते हैं वाओ, तो वाओ व्हाट एन एरोमा, वाओ व्हाट अ टेस्ट, ऐसे बोला, अब शदाब सर भी लुक गए फटाफट खाने है ना, तो अहमद सर तो खा ही रहे यहाँ से वहां से उठा कर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर मैं देख रहा हूँ, पानी लेकर आ रहा हूँ बार बार लगा, मैं आपको बताऊं ये लोग ना इस तरह से खाना खा रहे थे, मुझे लग रहा था कि नहीं ये खाना ये वाला इससे पहले खाया नहीं, पड़ा कर इधर से उधर उधर से इधर, अच्छा ये बात कही जो आपने कही, मैं ना मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता सर से मैंने कहा था कि सर ठीक है डिनर की दावत है, उस दिन से सर ने एक टाइम खाना खाना शुरू कर दिया था हाँ एक ही वक्त खाते थे, वो भी दिन में, रात का खाते नहीं थे, रात में खूब भूख लग जाए चार पांच दिन की भूख को तब जाकर खाएंगे, तो यही होता था चार पांच दिन की भूख का खाना खाने के लिए खाया, और ऐसे खाने को हम बोलते हैं टेक वाइल्डली का मतलब होता है पूरा ऐसे चित्रा कर घिरा विरा कर खाना खाना, बिल्कुल मार इधर से उधर, थोड़ा ध्यान उठा लिया, वाइल्ड की मीनिंग तो सर जंगली की तरह, हाँ टेक वाइल्डली बोलते हैं इसको है ना, तो इस तरह से पूरा ऐसे खा भाकर हमने कहा अरे यार किस तरह से खा, मैं तो बैठा था, और जानते हो क्या जैसे उसमें ना आते नहीं है जो हम लोग पॉट लगा कर देते हैं जिसमें खाना निकाला जाता है, उसमें खत्म और निकाल लो, निकाल एक बार निकाला दो बार निकाला उसके बाद वहां बचा ही नहीं था आपके लिए तीसरी बार में, अरे भैया तीसरी बार हमने कहा रुक जाओ, पूरा ऐसे भगोना लाकर कढ़ाई लाकर रख दिया, इधर खावा कर सब समेट लिया, उसके बाद देखा भगोने में सब कांच के ऐसे पूरा निकाल के ऐसे उसको भी खा ले, इधर जो दाने गिर गए थे वो सब उठा उठा कर, यानी इस तरह से देखिए खाना खाया गया, मैं आपको बता दिया खाना इतना टेस्टी बना था इतना ज्यादा कि ये लोग ना ऐसे उंगलियां देख देख कर कहां लगा है ऐसे, यानी उंगलियां चाट रहे थे, उंगलियां चाट रहे थे, पास्ट की बात है वे लोग, तो बोलेंगे देवर लिकिंग द फिंगर, कैसे बोलोगे बताओ, देवर लिकिंग द फिंगर, यानी वो अपनी उंगलियां चाट रहे, उंगलियां चाट ली, उसके बाद देखा कि यार सब तो खत्म हो गया, उंगली में भी कुछ नहीं लगा है, तो जो कढ़ाई जिसने बनाई थी उसको इधर उठा ली, कढ़ाई देख रहे कहां का लगा है They were licking the pots. बर्तनों को चाट रहे थे. They were licking the pots. बर्तनों को चाट रहे. बर्तन भी पूरा चाट रहे थे. उसके बाद बैठा मैं कहता हाथ धो लीजिए. सर सर इतना खा लिया है सर उठा नहीं जा रहा है. अभी बैठा रह लीजिए सर ऐसा करिए कि जो भगोना है ना इसी में लाइए हाथ धुल लेते हैं ऐसे करके पानी ले आई. पानी लाकर वही मैंने हाथ धुला दिया. सर आपने खाए कि नहीं? अरे पूरी बात तो सुन लो बहन तो अब हमसे कह रहे हैं कि सर आप कब खाएंगे, हमने कहा सर अब बनाएंगे तब खाएंगे
मतलब क्या खत्म हो गया क्या? हमने कहा सर कढ़ाई आपके सामने, भगोना आपके सामने, सारा प्लेट आपके सामने, आप इसमें बचा रहे हैं सर कि मतलब, तो अगर फिर से यही बनाएंगे तो बताइए हम और रुके भी थोड़ी देर यहाँ। हमने कहा नहीं बनाने नहीं है, हम सर कद्दू की सब्जी बनाने जा रहे हैं, कद्दू सब्जी और रोटी वही खाएंगे। कहना अच्छा तब ठीक, इतना कह के और बैठे बैठे चटखारे लगा, यानी चटखारे लगा रहे थे, चटखारे होते नहीं ऐसे, वाह क्या खाना है ऐसे, यानी हर एक मॉर्टल पर, हर एक लुकमे के ऊपर ना चटकारे लगा। चटकारे लगाना इंग्लिश में पता है क्या कहलाता है? नहीं, कहलाता है स्मैकिंग। स्मैकिंग, स्मैकिंग, हाँ स्मैकिंग कहलाता है। हाँ स्मैकिंग, देवर स्मैकिंग, देवर स्मैकिंग। स्मैकिंग का देखिए मतलब क्या होता है, शायद एक बार मैंने आपको पढ़ाया था। चटकारे लगाने का मतलब होता है जब जबान को ऊपर से हम टकराते हैं ना, ऐसे ऐसे करके आवाज आती है, तो ऐसे किसी भी चीज की टकराहट, जैसे दरवाजे हैं, ठीक है ना, दरवाजे हैं और हवा तेज चलने लगे, तो अगर डबल डोर दरवाजा है तो ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है ना, तो ये स्मैकिंग करना शुरू कर देता है। तो आप उसको भी बोल सकते हैं डोर्स आर स्मैकिंग। कभी ऐसे दरवाजा खुला हुआ हो और ऐसे हिलने लगे तो आप उसको बोलेंगे अरे यार देखो दरवाजा बंद कर दो, तो डोर्स आर स्मैकिंग क्लोज है ना, या फिर आप उसको कह दीजिए शट इट, यानी जिस तरह से भी आपका दरवाजा बंद होता हो, विंडोज आर स्मैकिंग, जो खिड़कियां है ना वो खड़बड़ खड़बड़ कर रही है। ऐसे ही देखिए कभी कभी पेपर रखे रहते हैं ना ऐसे, और पेपर वेट रख दिया, ऐसे पेपर वेट रख दिया हमने, लेकिन इधर हवा चली और यहाँ से फाइलें खड़कड़ 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 शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फाइल्स आर स्मैकिंग, फाइल्स आर स्मैकिंग, यानी फाइल खड़बड़ खड़बड़ कर रही है। तो देखिए ये जो है ना, ये साउंड की भी आवाजें होती है ना, जैसे जैसे आप देखिए गोली चलने की आवाज जो होती है ना, वो पता है क्या कहलाती है? वो कहलाती है शूटिंग, बंदूका है ना, गोली चलने की आवाज बंदूका कहलाती है। गाड़ियों के बहुत स्पीड से चलने की आवाज धूम कहलाती, सुना होगा ना? ये धूम कहलाती है, ठीक। ऐसे ही देखिए, ओहो भाई बस से कौन आया? इसको क्या कहते हैं सर? बस से कौन आया? ऐसे ही पानी की आवाज जो हम मुंह पर डालते हैं ऐसे फट से, वो स्प्लैश कहलाती है, ठीक है ना, कल पढ़ाया था इसको मैंने, स्प्लैश कहलाती है। पानी की आवाज जमीन पर गिरना ड्रॉप कहलाती है ना, ठीक, ड्रॉपिंग साउंड बोलते हैं उसके, अगर ऐसे आप बोलेंगे है ना, ड्रॉपिंग साउंड उसको बोलते हैं। टप 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 सर, हाँ जो टप टप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी मन में तो मुझको तेरी याद आई, ऐसे ये ड्रॉपिंग साउंड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे साउंड होते हैं जिनकी अलग अलग आवाज होती है, ठीक। अच्छा बहरहाल हम बात यहाँ पे नहीं, इसकी नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि चटकारे लगाने की, चटकारे लगा रहे थे देवल की, ठीक। इतना सब कुछ करने के बाद हमने सर ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं, तो हमने कहा सर जा रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब बताइए मैंने उनसे क्या सवाल पूछा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा मैंने उनसे, क्या पूछा? फिर तो नहीं आएंगे? नहीं, नहीं पता, फिर वो पूछा होगा, आप पता चल गया ना कि मैं परफेक्ट हूँ। भाई इतनी मेहनत से बनाया है, तारीफ नहीं सुनेंगे? तब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया, हाउ डू यू फाइंड माई डिनर सर, आपको मेरा डिनर लगा कैसा? तो अब यहाँ पर इसके जवाब सुन लीजिए। जैसे देखिए बेटा, जब खाने पीने की चीजें होती हैं तो हम उसको सिंपली बोलते हैं इट इज टेस्टी, अगर टेस्टी है तो, ठीक, इट इज टेस्टी, टेस्टी है। अगर आपको लगता है
बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा, तो डिलीशियस वर्ड आता है ना. यस डिलीशियस वर्ड आता है. अगर आपको लगता है कि जैसा खाना आप चाहते हैं या जैसा आप खाते हैं जो आपका टेस्ट है वैसा ही है खाना, तो उसे हम बोलते हैं पैलेटेबल. पैलेटेबल, हाँ, पैलेटेबल का मतलब यानी जैसा मुझे खाना चाहिए वैसा ही है, यही मुझे पसंद. अगर ऐसा खाना हो कि खाना खाने के बाद भी मन ना मान रहा हो, आपको लगे कि यार और खा लेना, अक्सर हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, आप लोग को भी पता होगा. yes, कभी कभी कुछ खाने इतने टेस्टी बन जाते हैं कि आप उसको खाइए पेट भर जाए, मन नहीं भरता. yes. आप बैठ रहे थे कि बेटा खा चुके, हाँ मम्मी खा तो चुके, लेकिन जरा फोन निकाल दो. उसको फोन निकाल के वो भी जबरदस्ती खा रहे, ठूस रहे हैं, पानी से ढकेल रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती खा रहे, यहाँ तक खाना रखा रहे तो. हाँ आप जरा सा भी उस दिन ऐसे करिए तो खाना आधा मुंह में आ जाता है, कराते कर जाता है. ऐसा वाला खाना पता है इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं माउथ वाटरिंग. हाँ कोई भी ऐसा खाना जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए, बर्दाश्त न ठहर ना पाए, वो सारे के सारे खाने माउथ वाटरिंग कहलाते हैं. बात समझे आप, सर ने क्या कहा, माउथ वाटरिंग या इट वॉज माउथ वाटरिंग, क्या कहा बताओ, इट वॉज माउथ वाटरिंग. हाँ ये माउथ वाटरिंग था, ठीक है ये माउथ वाटरिंग है, बहुत ही टेस्टी है, फिर मिले फिर खा ले. तो अब समझ में आया आपको, परफेक्ट एट कुकिंग. इसमें कुछ मीनिंग थे जिसको आप पहले उतार लीजिए तो हम आगे पढ़ाएं आपको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मिटा दूं. डन. यस सर. यस सर. ओके देखिए बात परफेक्शन की चल रही है ना. तो एक चीज और इसमें हम आपको बता देते हैं, परफेक्शन में अगर आप राइडिंग या ड्राइविंग में परफेक्शन है तब तो सही है, अदरवाइज एक बार मैं जा रहा था रास्ते में, है ना, बोलो वंस आई वॉज गोइंग ऑन द वे, once I was going on the way on foot, पाँ पाँ, है ना? Once I was going on the way on foot, पाँ पाँ जा रहा. तो किनारे साइड में, क्योंकि जो लोग भी पैदल चलते हैं वो सड़क के बीच में तो नहीं चलते है ना, और किनारे ही चल रहा था, लेकिन कोई बार बार हॉर्न बजा रहा था, बोलो बट someone तो was blowing the horn हो जाएगा ना, बट someone was blowing the horn over and over, अगेन एंड अगेन की जगह बोल रहा करिए over and over. Someone was blowing the horn over and over. बोलो. Someone was blowing the horn over and over. बार बार हॉर्न बजा, दिमाग मेरा खराब, हमने कहा यार किनारे चल रहे, पलट के देखा, बोलो मैं घूमा, I turned. जैसे मैं घूमा as I turned, है कि नहीं, जैसे मैंने कोई काम किया as I action होता है, as I turned. अरे यार क्या कार किया, जबरदस्त कार देख कर ना, वाह क्या कार है यार, वाह व्हाट अ कार, कैसे वाह व्हाट अ फैंटास्टिक कार यार, क्या कार है जबरदस्त, वाह व्हाट अ फिनिश.
हाँ, what a superb car, what an awesome car, क्या कार है सर। और वो कार देखी, फिर मेरे दिमाग में हमने कहा यार क्या कार है, एकदम दिल दिमाग पर छा गई। आई एम टच्ड बाय, कैसे पढ़ाया था ना इसको मैंने, आई एम टच्ड बाय दिस कार। क्या बोला मैंने, आई एम टच्ड बाय ये कार, तो मेरे दिल दिमाग पर एकदम छा गई ऐसे करके। तो वो कार भी रुक गई, गेट खुला, उसमें से एक बंदा निकला। मैंने कहा ये तो यार जाना पहचाना लग रहा है। उसने निकला, अरे गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। हमने कहा कौन प्रणाम, अच्छा 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 दीपक, अरे गुरुजी भूल गए। हमने कहा नहीं बेटा नहीं भूले तुमको देखकर। तुरंत मैं उसके पास गया, हमने कहा यार ये कार किसकी है, कैसा रेस इज माई कार। क्या बोला, हमका तुम्हारी कार है, इतना बेकार आदमी इसके पास कार कैसे आ गई। तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने उससे पूछा बेटा ये बताओ मिली कहाँ से। मैंने उससे ये नहीं कहा कि तुमने खरीदी कहाँ से, मैंने उससे पूछा मिली कहाँ से बताओ। अब ये सवाल उससे कैसे पूछा जाएगा, तुम्हें ये कार कहाँ से मिली। मतलब मिलने के सेंस में उसने पढ़ी पाई थी क्या, जो फाइंड का यूज करोगे। चूरन में खोली थी, चूरन में। Where did you get it? Where did you get this? God. Where did you get it? Get it. अब इसकी जगह दिस कार बोल सकते हो, वेयर डिड यू गेट दिस कार फ्रॉम, या वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, क्योंकि वहां पर मैं इशारा करके बता रहा था वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, इसको कहां से पाया तुमने, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कैसे बोलेंगे बताइए, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। तो बोला सर आई गॉट इट इन माई डॉरी, अच्छे से बता दूं भाई। देखो ये जो मोटरसाइकिल अच्छी वाली, ये जो कार अच्छी वाली है ना, अगर कार और मोटरसाइकिल अच्छी वाली के लिए जो लड़के शादी करते हैं ना, उन्हें कार और मोटरसाइकिल अच्छी मिल जाती है। उन्हें ये दो चीजें अच्छी मिल जाती है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा कि अच्छा तो ऑप्शन तो मिला होगा, घर वाले पूछे होंगे बेटा कार अच्छी चाहिए तुम्हें या वाइफ अच्छी चाहिए। तो कहा सर मैंने कहा कार अच्छी चाहिए। हमने कहा बेटा मैं समझ गया। और फिर उसने कहा सर आइए, कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमने कहा यार इतनी जबरदस्त कार है यार, बैठने का मन तो इच्छा तो हो ही रही, चलो बैठ जाते अंदर जाकर। एक काली माता का फोटो उसने लगा रखा था, भयानक का फोटो था। मैंने कहा यार ये भगवान जी का फोटो यार ऐसे तुमने क्यों लगा रखा, ये भगवान जी यार थोड़े से मतलब ये ऐसा फोटो मैंने कभी नहीं देखा यार। मैंने काली माता का फोटो देखा है लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक फोटो मैंने नहीं देखा। अरे सर ये वाइफ है मेरी। दहेज में तो कहा था बेटा इस बात कभी भूलना मत कि तुम्हारी वाइफ तो ये जो कार है ना ये सामने ऐसे लगा दिया। हमने कहा तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, लेकिन जो लोग आकर बैठेंगे उनके बारे में तो ख्याल करो तुम। कह रहे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जल्दी। अच्छा मुझे बार बार वही जैसे मैं बैठूं बार बार नजर ऐसे, जब बार बार मैं डर जाऊं। तो हमने कहा अच्छा थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ तो मुंह घुमा लो, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे ही देखकर कह रही तुम निकलो यहाँ से। सर वो ऐसा मुंह ही बैठे रहे। अब उसने कार स्टार्ट की, देखो बोलो ही स्टार्टेड द कार। स्टार्ट कार कैसे होती है, की टर्न की जाती है ना, टर्न। हाँ तो बोलेंगे ही टर्नड ऑन, ही टर्नड ऑन द की, ही टर्नड ऑन द की। देखो यहाँ पे कार चलाना भी सीखा, ही टर्नड ऑन द की, ठीक। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब। उसके बाद उसने क्लच, क्लच
क्लच दबाया क्लच ही प्रेस्ड क्लच है ना डिस्को दीवाने ही प्रेस्ड है कि नहीं तो क्लच को इसने प्रेस किया उसके बाद क्या करना है बताइए लड़के तो जानते होंगे गाड़ी स्टार्ट हो गई क्लच प्रेस किया फिर क्या करेगा ब्रेक छोड़ देगा एक्सीलेटर अब गियर कहाँ गियर 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 मारेंगे सर गियर गियर तो लगाने दो बंदे को गियर लगाकर ब्रेक छोड़ देगा सर हाँ तो गियर को लगाना शिफ्ट कहलाता है ना शिफ्ट द गियर शिफ्ट द गियर लेकिन क्या गाना गजब का है दिन पूछो जरा अरे हमारे बारे में सोचो हम कार में बैठे हुए समय फोटो हमारे सामने है ये गाना तो मत गाओ तो देखो उसने गियर को शिफ्ट किया ही शिफ्टेड द गियर उसने गियर को शिफ्ट किया अब गियर शिफ्ट करने का तरीका आप समझ लीजिए खाली गियर को जैसे नई कार एकदम बढ़िया ऐसे तो इधर से पकड़ो ऐसे खींच रहा हमने कहा पागल क्या कर रहा है ऐसे नई गाड़ी है ना कि ना सर वो अभी गियर ये फंस रहा है हमने कहा नई गाड़ी में गियर कौन सा फंसता है अब उसने बोला तो कुछ नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं देखो जिस तरह से वो ना गियर लगा रहा था गियर को शिफ्ट कर रहा था ना जिस तरह से अरे यार मैं समझ गया था कि ये भैया ना नया नया खिलाड़ी है ड्राइवरी आपको मैं सबसे बताता हूँ क्योंकि आप समझ जाते हैं ना कि भाई नई कार में आप चलाते रहिए ऐसे इशारा करिए गियर लग जाता है फिर इशारा करिए गियर लग जाता है वो उसमें मारे ऐसे खींच रहा है हैं और सामने छोड़कर देख रहा है कि गियर कौन सा लगा हुआ है ऐसे करके तो देखो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर बोला मैंने कहा जिस तरह से वाह यह काम कर रहा था कोई भी काम हो सकता है ना अब यहाँ पर अगर आपको बोलना हो इस तरह का सेंटेंस जिस तरह से वो ये काम कर रहा था जिस तरह से वो मुझे देख रहा था है ना जिस तरह से वो बातें कर रहा था जिस तरह से उसने ये जवाब दिया जिस तरह से मैंने उसे समझाया जिस तरह से वो गियर लगा रहा था जिस तरह से वो उसे घूर रहा था तो ये जिस तरह को क्या बोलेंगे बताओ इसे बोलते हैं दबे दबे हाँ सिंपल है बहुत दबे वो ये काम कर रहा था दबे अगर कंटिन्यूअस में चल रहा है काम पास्ट में द वे ही वॉज एक्शन और एक्शन में आएंगे द वे ही वॉज एक्शनिंग जिस तरह से वो इस काम को कर रहा था यानी अगर मुझे बोलना हो कि जिस तरह से वो गियर शिफ्ट कर रहा था द वे ही वॉज शिफ्टिंग द गियर द वे ही वॉज शिफ्टिंग द गियर जिस तरह से वो मुझे देख रही थी The way she was looking at me. The way she was looking at me. है ना? जैसे वो उसे घूर रहा था. The way he was staring at her. The way he was staring at her. है ना? बात समझे? तो जिस तरह से वो बात कर रहा था, जिस तरह से the way he was talking, जिस तरह से वो मेरी तरफ आ रहा था, the way he was coming towards me. ऐसे, है ना? जिस तरह से उसने एग्जाम दिया द वे ही गिव द एग्जाम जिस तरह से उसने पढ़ाया द वे ही टॉट यानी द वे का यूज करेंगे यहाँ पर आगे सेंटेंस किसी भी फॉर्म में होगा बात समझे आप यस सर हाँ तो मैंने आपसे कहा द वे ही वॉज अप्लाइंग या द वे ही वॉज शिफ्टिंग द गियर मैं जान गया बताओ मैं जान गया को क्या बोलेंगे गियर आई गॉट टू नो आई गॉट टू नो मैं जान गया
अरे यार ही इज नोविस इन ड्राइविंग ड्राइविंग कॉस हाँ ही इज नोविस इन ड्राइविंग ये नया नया धोबी है भैया है ना अभी नया नया खिलाड़ी है गाड़ी का ये अब आपको बेटा जब पता ये नोविस तो पढ़ाया था ना मैंने कल भी समझाया था आप लोग को सर नोविस न्यूली तो आप लोग बेटा ये समझिए जब आपको ये पता चल जाए कि जिस कार में आप बैठे हैं जिस बस में आप बैठे हैं वो ड्राइवर नया नया खिलाड़ी है तो ईमानदारी से बताइए सफर कैसा गुजरेगा आपका इस बात को जानते हैं जाकर बैठ गए और कोई कह देगा भैया ड्राइवर पहली बार चलाने जा रहा है क्या पहली बार भैया कहें तो भी बहुत सा काम करने हैं आप उतर जाएंगे गाड़ी से गिर गेट लेकिन मैं तो अंदर पैक हो गया था और मैं जान गया था नोविस अब ये ऐसे करते करते कैसे फिर गियर ऐसे खींच रहा फिर ऐसे करते करते बेवजह हॉर्न ऐसे से लगा रहा है हमने कहा यार थोड़ा आराम से यार आराम से चलाओ यार है ना थोड़ा रहम करो नई नई गाड़ी है यार ठीक तो जैसे कभी कभी बोलते नहीं थोड़ा रहम करके आराम से करो यार इसको इंग्लिश में बोलते हैं गो इजी ऑन समथिंग यानी किसी भी चीज पर रहम करने के सेंस में होता है गो इजी ऑन समथिंग गो इजी ऑन द कार यार कार पे थोड़ा रहम करो आराम से चलाओ भाई अगर किसी व्यक्ति पर रहम करने की बात आती है गो इजी ऑन हिम उस व्यक्ति पर रहम करो है ना ऐसे बोलते हैं जैसे मुझ पर रहम करो गो इजी ऑन मी तो अल्लाह ताला से ऐसे दुआ भी कर सकते हैं आप या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा या अल्लाह गो इजी ऑन मी ऐसे बोल सकते हैं है ना तो ये सेंटेंस है इसको बहुत बोला जाता है इसको आप लोग बोलिएगा यूज करिएगा गो इजी ऑन द कार मैंने क्या बोला गो इजी ऑन द कार यार आराम से चलाओ यार ये क्या बात तुम कहने सर ऐसे नहीं अभी तो सीख रहे हैं ना हमने कहा अच्छा सीख रहे हो बता भी दिया तुमने हम समझ तो गए थे तुम बता भी दिए कि हम सीख रहे हैं हाँ सर अभी देखिए हमने कहा बेटा तुम मैदान में सीखते कहने सर सड़क का मैदान अपने आप चली जाएगी भी देखिएगा हमने कहा ऐसा मत करो भाई रोक दो उतर जाए अरे सर उतरिएगा नहीं तो बीच में काम तो जनता नहीं रोकते रोकते कैसे हमने कहा जी उनको पता ही नहीं गाड़ी रोकते कैसे हमने कहा देखो तीनों बटन जो नीचे लगे हैं ना एक इसमें से ब्रेक है लेकिन सर हमको भी पता है ब्रेक है लेकिन हर बार जब तक हम नीचे देख नहीं लेते हैं ब्रेक कौन सा है तब तक हम ब्रेक लगा नहीं पाते अच्छा यही बात हो रही थी तो सामने से एक रिक्शा वाला आ रहा था रिक्शा वाला तो आप देखिए ये सेंटेंस अगर बोलना हो सामने से एक रिक्शा वाला आ रहा था तो इसको बोलोगे कैसे बताओ टूवर्ड कमिंग टूवर्ड पहले से आ गया टूवर्ड क्या करेगा यहाँ पर कमिंग सिंपल अ रिक्शा मैन या रिक्शा पुलर वाज कमिंग आ रहा था ही वाज एक्शनिंग वो ये काम कर रहा था अगर इस सेंटेंस में आप लोग फंस रहे हो तो मेरा पढ़ाना सब बेकार है आप लोगों को अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस अभी तक नहीं समझ में आए हैं आई वॉज गोइंग ही वॉज कमिंग अगर ये आपको नहीं पता है तो नहीं पता ये सेंटेंस किसी को तब अगर इतना आसान सेंटेंस मुझे आपको पढ़ाना पड़े फिर से आज आखिरी एकदम लास्ट क्लास चल रहा है इतना सिंपल सेंटेंस बेटा आप लोग को नहीं बन पा रहा है इतना इजी सेंटेंस है देखो सामने लिखा भी हुआ है वही फॉर्मूला रिक्शा पुलर वॉज कमिंग रिक्शा वाला आ रहा था मेरी तरफ आ रहा था टुवर्ड्स मी रिक्शा पुलर वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी रिक्शा वाला मेरी तरफ आ रहा था बस टुवर्ड्स मी है ना रिक्शा पुलर वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी यानी मेरी तरफ या आप ऐसे कह सकते हैं रिक्शा पुलर वॉज कमिंग टुवर्ड्स द कार की तरफ आ रहा था रिक्शा पुलर वॉज कमिंग टुवर्ड्स द कार की ओर आ रहा था तो भैया ये तो वैसे ही खड़बड़ कर रहे थे ये तो वैसे ही एकदम डरे हुए थे है ना हमसे बात भी कर रहे थे सर ब्रेक कहा हमने कहा सामने देख सामने रिक्शा 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 लुक एट रिक्शा ऐसे करते 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 जब तक वो ब्रेक ढूंढे कहाँ है ब्रेक मारते मारते रिक्शे से जाकर कार टकरा गई तो आप बोलेंगे आप कैसे बोलेंगे इसे कार बम्प इनटू द रिक्शा कार बम्प्ड इनटू द रिक्शा द रिक्शा रोकते रोकते वाइल
स्टॉपिंग. व्हाइल का यूज पता है? कार बम्प्ड इनटू द रिक्शा व्हाइल स्टॉपिंग, यानी किसी काम को करते करते ये काम हो गया, इस काम को करते करते ये काम हो गया, जैसे व्हाइल स्लीपिंग सोते सोते, है ना, और खाना खाते खाते मैंने पिक्चर देखी थी, तो आप बोलेंगे आई वॉच्ड मूवी व्हाइल टेकिंग फूड, ऐसा करके बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कार बम्प्ड इनटू द रिक्शा व्हाइल स्टॉपिंग, यानी रोकते रोकते कार टकराई और एक तरह का एक्सीडेंट माना जाएगा ये, है कि नहीं. और अब ये बोलना होगा कि भाई एक एक्सीडेंट वहां पर हो गया, तो देयर वॉज एन एक्सीडेंट, सिंपल है ना, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट वहां पर हो गया यार. आप सबको पता है भाई, अगर बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी से टकराती है तो गलती बड़ी गाड़ी वाले की ही होती है, पता है ये बात, ये नियम है, संसार का नियम है, चाहे किसी की भी गलती हो. तो जैसे वो टकराया, रिक्शे वाला नीचे गिर गया, उसका रिक्शा जो था ना पिचक गया था, पहिए वही टेढ़ी हो गई, किसी चीज का ऐसे झिचक पिचक जाना डेंट कहलाता है. और चूंकि कंडीशन है तो गेट के साथ बोलेंगे, है ना, गेट डेंटेड, गेट में कंडीशन बदल देंगे, तो बोलेंगे हिज रिक्शा गॉट डेंटेड, हिज रिक्शा गॉट डेंटेड, हाँ हिज रिक्शा गॉट डेंटेड, यानी उसके रिक्शा डेंट पड़ गया था, उसका टेढ़ा बोका हो. लोग इकट्ठा हो गए, पीपल गैदर्ड देयर, पीपल गैदर्ड गैदर्ड देयर, लोग इकट्ठा वहां पर हो गए, लोग इकट्ठा हो गए भैया, अब सब उसके कार निकल, कार वाला कार बाहर निकल, बाहर निकल कार वाला, हम जल्दी इधर से निकले, फिर भैया हम तो सवारी, भैया हम तो सवारी, वो ड्राइवर है, ऐसा उसको दिखा दिया. अब उन्होंने कहा सर सर बचाइए, उन्होंने कहा बचाइए, अब तुम हमको फंसवा, तुमको बचाएंगे. हमने कहा भैया हम तो सवारी, हम तो जनते नहीं कौन है ये, देखो यही है ऐसे. तो उसको सब जगह से पकड़े यार, कैसे चलाता है कार, कैसे चलाता है, पूछना शुरू की. तो हमने देखा यार स्टूडेंट है यार, रहने दो यार, समझा देंगे अभी उसको. तो मैंने उन्हें समझाया, देखो बात बढ़ रही थी, बात जो है बढ़ रही थी, क्योंकि रिक्शा उसका टूट गया था, बात बढ़ रही थी, मैटर वॉज गेटिंग हाई, इसको हम ऐसे बोलेंगे. देखिए मैटर वॉज गेटिंग हाई, हाँ गेटिंग हाई, बात बढ़ रही थी, बट आई मेड देम अंडरस्टैंड, ये तो पढ़ाया है ना, मेक अंडरस्टैंड, मेक समबडी अंडरस्टैंड, मैंने उन्हें समझाया, पास्ट में समझाया तो ये मेड हो जाएगा, आई मेड देम अंडरस्टैंड, मैंने उन्हें समझाया. ठीक है, और उसका जो नुकसान हुआ था भरपाई करा दिया, नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई करना क्या कहलाता है बताओ, है? एक तो सिंपल इंग्लिश होती है पे फॉर लॉस, है ना, लॉस, पे फॉर डैमेज भी तो हो सकता है ना सर, नुकसान की. अब डैमेज तो आप जब कोई चीज डैमेज हो गई हो तब, है ना, लेकिन इसके लिए एक फ्रेज आता है बोलने के लिए, जब नुकसान की भरपाई करने की बात होती है उसे बोलते हैं मेक इट अप का मतलब होता है किसी भी नुकसान की भरपाई, किसी भी नुकसान की. तो जैसे आपको ये बोलना हो यार मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा, है, तो हाउ आई विल मेक इट अप, मैं इसकी भरपाई कैसे करूं. तो जो भी उसका नुकसान हुआ था उसका पैसा मैंने दिलवा दिया उससे, एंड वो हॉस्पिटल भिजवा दिया, वो कुछ दिन में रिक्शे वाला ठीक हो गया, रिक्शा भी उसका सही हो गया, मैटर हो गया क्लोज, यानी कोई बहुत बड़ी टक्कर नहीं थी, बस छोटी मोटी टक्कर थी जिसमें गाड़ी को डेंट लग गया था, रिक्शे को डेंट लग गया था बस. ठीक है, कोई टूट फूट नहीं हुई थी इसके अंदर, यानी ये भी जो स्टोरी है इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ. आज हमने कल आपसे कहा था कि आज एक्सीडेंट करेंगे बड़ा वाला, लेकिन देखिए हमने किया नहीं बेटा,
क्योंकि हमको पता है आज नगमान सारी मैम भी जुड़ गई हैं, डर रही होंगी बेचारी। तो अब देखिए हम कल करेंगे, सैटरडे है, कल एक भयानक एक्सीडेंट। यस। और कल वही लोग ऑनलाइन आएंगे जो मजबूत दिल वाले, क्योंकि मैं आपसे देखिए जब कोई डरावनी फिल्म शुरू होती है या ऐसा कोई सीरियल होता है तो पहले सामने एक बंदा ऐसे आता है कहता है नमस्कार, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस सीरियल को ना देखिए, धन्यवाद। ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, अगर आप डरपोक हैं, अगर आप खून और ये सब चीजें के बारे में सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते ना, तो कल आप क्लास नहीं ज्वाइन करिएगा भाई, सीधी सी बात है। फिर आप मुझे कोई ब्लेम नहीं करेगा, सर आपने बताया नहीं सर, और बुशरा मैम तो वहाँ हॉस्पिटल में पहुंच गए टेंशन लेकर। सर इतना भी वो नहीं है, इतना भी वो मतलब हो लेकिन इतना वो नहीं है। मैं इसका फोटो क्लिक करके भेजता हूँ आपको, हाँ, और इससे आप लोग स्टोरी एक छोटी सी लिखिए, ऐसे ही छोटी मोटी स्टोरी भी बनाइए, क्योंकि कल जो स्टोरी सुनाएंगे वो तगड़ी स्टोरी बड़ी स्टोरी होगी, और ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरी पहले बना लीजिए ताकि एक बड़ी स्टोरी बनाने में आपको हेल्प मिले। यस, चलिए मिलेंगे कल इंशाल्लाह, सब लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। Thank you.